आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। धामी ने केदारनाथ पर भ्रम को लेकर चेताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ को लेकर भ्रम फैलाने वालों को चेताया। उन्होंने कहा, कुछ लोग कभी धार्मिक, कभी क्षेत्रीय और जातीय भावनाएं भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। उनके इरादे किसी सूरत में सफल नहीं होने देंगे। धामी सोमवार को ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। एएसआई ने भोजशाला सर्वेक्षण की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी। सुप्रीम कोर्ट में शिव कुमार को राहत नहीं, तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की याचिका खारिज कर दी। ट्रंप पर हमले को आरोपी ने अकेले ही अंजाम दिया, तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने वाले युवक ने अकेले ही घटना को अंजाम दिया। संघीय जांच ब्यूरो FBI ने रविवार को शुरुआती जांच का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री आज जागेश्वर में मेले का शुभारंभ करेंगे, तो सुप्रसिद्ध जागेश्वर धाम में आज मंगलवार एक माह तक चलने वाले श्रावणी मेले का शुभारंभ होगा। मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। चंपावत में इलाज नहीं मिलने से प्रसूता की मौत, तो चंपावत में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से सोमवार सुबह एक और प्रसूता की जान चली गई। नवजात शिशु को जन्म देने के बाद प्रसूता की तबीयत बिगड़ गई। जिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं होने के कारण लोहाघाट निवासी प्रसूता को गंभीर हालत में रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अल्मोड़ा के उपेंद्र बने उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक। अल्मोड़ा के मूल निवासी और भारतीय रेल यातायात सेवा के अधिकारी उपेंद्र चंद्र जोशी उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक बनाए गए हैं। इससे पहले वे प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक उत्तर रेलवे पद पर कार्यरत थे। एसी बस और कोच में सफ़र करेंगे राष्ट्रीय खिलाड़ी, तो राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए जाने वाले खिलाड़ी अब वातानुकूल बस या ट्रेन के थर्ड एसी कोच में यात्रा कर सकेंगे। भोजन भत्ते को भी 150 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये किया गया। भारतीयों को पारिवारिक वजहों से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, तो विश्व में हृदय रोग शुरू होने की औसत आयु 62 साल, तो भारत में यह 52 साल दर्ज की गई। अडानी समूह पर फैसले की समीक्षा नहीं, ओली ने नेपाल के पीएम पद की शपथ ली। गरारी रुकती है तो अटक जाती है बच्चों की सांसें, तो भविष्य गढ़ने के लिए जान जोखिम में डाल गौरी नदी पार कर स्कूल जा रहे गरुड़ तो के छा छतराएँ। तो बंगापारी पिथौरागढ़ से खबर है, पहाड़ का जीवन कठिनाइयों से भरा है। मानसून काल में दिक्कतें और बढ़ जाती हैं, बावजूद इसके हुक्मरानों को पहाड़ वालों का यह दर्द दिखाई नहीं देता। बंगापानी तहसील की ग्राम पंचायत मवानी दवानी के घरुड़ी तोक के बच्चे स्कूल जाने के लिए उफनाई गौरी नदी घरारी के सहारे पार करने को मजबूर हैं। कई बार घरारी चलते चलते रुक जाती है, तो बच्चों की सांसें अटक जाती हैं कि अब जाने क्या होगा। हुक्मरान हैं कि उन्हें बच्चों की कोई फिक्र नहीं है, यहां पुल बनाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे। दो लोगों की हो चुकी है मौत, तो गरारी के सहारे गौरी नदी पार करते दो लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ष 2018 में कोली गांव का एक व्यक्ति रिजदारी में जा रहा था, उसी दौरान वह ट्रॉली से नदी में गिर गया और उसकी मौत हो गई। वर्ष 2016 में खड़क सिंह पुत्र धन धामी निवासी धामी गांव भ्यूला की ट्रॉली से गिरने से मौत हो गई थी। भोजशाला में देवताओं की 94 मूर्तियां मिलने का दावा किया, तो सर्वेक्षण में विभिन्न कालखंडों के 31 सिक्के वाग देवी की खंडित प्रतिमा और कई शिलालेख मिलने का दावा किया। अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ नहीं कर सकती सरकारें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के बनाए कानून के अलावा राज्यों या केंद्र सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचियों
अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने का कोई क्षमता, अधिकार या शक्ति नहीं है। निकाय पंचायत और केदारनाथ उपचुनाव जीतने का संकल्प। तो लोकसभा की पांचों सीटों पर जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने आगामी निकाय पंचायत चुनाव और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत का संकल्प लिया है। आज हो चुनाव तो भारी बहुमत से डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे राष्ट्रपति। तो अमेरिका में हमले के बाद पूर्व राष्ट्रपति के पक्ष में बढ़ी सहानुभूति। सब्जियों के दाम बढ़े, थोक महंगाई 16 माह के शीर्ष पर। तो खाने पीने की वस्तुएं, खासकर सब्जियों, प्याज, आलू और फल की कीमतों में मासिक एवं सालाना आधार पर बेअतासा वृद्धि से थोक महंगाई जून 2024 में बढ़कर 16 महीने के उच्च स्तर 3.36% तक पहुंच गई है। दो अस्पतालों से किया रेफर, तीसरे में प्रसूता ने दम तोड़ दिया। निकाय पंचायत और केदारनाथ उपचुनाव जीतने का संकल्प लिया। बीआरपी और सीआरपी पदों की भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक। तो हाई कोर्ट ने ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बीआरपी व क्लस्टर रिसोर्स पर्सन सीआरपी की भर्ती के लिए आमंत्रित की गई निविदा किसी अन्य एजेंसी को दिए जाने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति प्रक्रिया भी रुक गई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बहारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में मास मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया था कि बीआरपी व सीआरपी की भर्ती के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि समग्र शिक्षा अभियान की परियोजना निदेशक ने उसकी निविदा को निरस्त कर दिया था। इसके विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। 20 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद कहा था कि याचिकाकर्ता इस अनुबंध के लिए पूरी तरह योग्य है, इसलिए उसकी बोली पर विचार किया जाए, लेकिन राज्य परियोजना निदेशक ने निविदा को किसी एजेंसी को दे दिया। उल्लेखनीय है कि बीआरपी सीआरपी के करीब 955 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। एसबीआई से लोन लेना हुआ महंगा, 10 आधार अंक तक बढ़ा ब्याज। दूसरी शादी करने पर गुजारा भत्ता गया, 6 महीने की जेल भी हुई। तो पहली शादी रहते हुए दूसरी शादी करने वाली महिला और उसके नए पति को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई सजा। राशन कार्ड नहीं तो वोटर आईडी से भी बनेगा आयुष्मान कार्ड। तो यदि किसी व्यक्ति के पास राशन कार्ड नहीं है तो भी अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। राशन कार्ड न होने पर लाभार्थी मतदाता पहचान पत्र से भी अपना कार्ड बनवा पाएंगे, जिससे आधार से सत्यापित किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने संबंधित प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, जल्द यह प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। एक राज्य एक पंचायत व एक चुनाव शीघ्र लागू करें। नए विभागीय ढांचे में प्राथमिक शिक्षकों को शामिल किया जाए। तो प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय समिति ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और डायट के नए विभागीय ढांचे में प्राथमिक शिक्षकों को शामिल करने पर जोर दिया। विद्यालय में प्रवक्ताओं के पद रिक्त, 30 बच्चों ने कटाई टीसी। तो जीआईसी पाखू में पिछले 2 साल से विज्ञान वर्ग में जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान के प्रवक्ता का पद रिक्त है, जिससे छात्र छात्राएं परेशान हैं। विभागों का कहना है कि जब विद्यालय में प्रवक्ता ही नहीं तो बच्चे कैसे परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक नहीं होने से 30 बच्चे टीसी कटवाकर दूसरे स्कूल में चले गए। जीआईसी पाखू में 300 से अधिक छात्र छात्राएं हैं। महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक नहीं होने से छात्र छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो रही है। शिक्षकों के नहीं होने से बच्चे भी स्कूल में कम दाखिला ले रहे हैं। 2 साल से विज्ञान वर्ग में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। इस बीच 30 से ज़्यादा बच्चे यहां से टीसी कटवाकर दूसरे स्कूल चले गए। पिछले वर्ष इंटर विज्ञान में 24 बच्चों में केवल 7 ही उत्तीर्ण हो पाए। इस साल विज्ञान की 11वीं और 12वीं कक्षा में 25 और 21 बच्चे हैं।
पूर्व पीटी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गार्गी ने बताया कि विज्ञान वर्ग में मुख्य विषयों के प्रवक्ता नहीं होने से बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उन्होंने सरकार और शिक्षा विभाग से अधिक पदों पर प्रवक्ताओं की नियुक्ति की मांग की है। अनुशासन बनाए रखने और नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना में चयन प्रक्रिया शुरू हुई। महाविद्यालय में बीएससी बीकॉम एमकॉम कक्षाएं शुरू की जाएं। पीजी कॉलेज में अतिरिक्त प्राध्यापकों की नियुक्ति करने की मांग की। स्कूलों की नई टाइमिंग पर चुनौती भी कम नहीं, तो देहरादून से खबर है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए स्कूलों की नई टाइमिंग को धरातल पर उतारने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। वहीं दूसरी तरफ नई टाइमिंग से अभिभावकों के साथ ही वैन और बस चालकों के समक्ष भी दुविधा की स्थिति खड़ी हो गई, क्योंकि एक से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों और उनके और अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को ले जाने वाले वैन बस संचालक एक ही समय पर स्कूल पहुंचेंगे और छुट्टी के दौरान भी एक ही समय पर निकल जाएंगे। ऐसे में नया प्लान किसी तरह सड़कों पर दबाव कम कर पाएगा, यह सवाल अपनी जगह खड़ा हो रहा है। एमकेपी पीजी कॉलेज में डीएम नियुक्त करेंगे प्रशासक। तो एमकेजी पीजी कॉलेज में शासन ने जिलाधिकारी को कॉलेज में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। 12 केंद्रों में हुई सीबीएसई की सप्लीमेंट्री परीक्षा। कौशलम पाठ्यक्रम में दक्ष होने से दूर होगी बेरोजगारी। हरेला आज पौधारोपण कर प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लेंगे पर्यावरण प्रेमी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 73 डिप्टी जेलर की पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल में 17,727 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी में 29 सब इंस्पेक्टर की पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 56 जूनियर मैनेजर की पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। जीडीएस में भारतीय डाक विभाग में 44,228 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें ब्रांच पोस्टमास्टर डाक सेवक व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर अपर प्रोफेसर के 42 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी में 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 सितम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अरवल जिला अंतर्गत चौकीदार के 223 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के 27 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सहायक निदेशक के 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 2123 मेगावाट की 21 जल विद्युत परियोजनाओं को दे मंजूरी। प्रदेश में असुरक्षित पुलों की संख्या बढ़कर 40 हुई। 10 वर्षों से दैनिक कार्य कर रहे कार्मिकों को नियमित किया जाए, तो राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने मुख्य सचिव को सीएस के स्टाफ ऑफिसर ललित मोहन रयाल के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा, जिसमें जो कर्मचारी दैनिक संविदा विशेष श्रेणी पीटी आउटसोर्स 10 साल से लगातार काम कर रहे हैं, उनको नियमित करने की मांग की। एचआईवी पीड़ितों को पास के अस्पतालों से मिलेंगी दवाइयाँ। केदारनाथ मंदिर की परिक्रमा कर नाराज लोगों ने निकाला जुलूस। तो दिल्ली में श्री केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक निर्माण के विरोध में केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित हक हकधारी और अन्य लोगों का आंदोलन तीसरे दिन भी जर रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी के साथ मंदिर की परिक्रमा करते हुए जुलूस निकालकर धरना दिया। हरेला राज्य में वन विभाग लगाएगा 1.5 करोड़ पौधे। तो वन विभाग ने हरेला पर राज्य के 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। वन विभाग के सभी प्रभागों में पौधारोपण करने के साथ सजीव प्रसारण भी होगा। लैब में हुई जांच में मानकों पर नहीं पाया गया जिंक सल्फेट। गंगा स्नान के लिए आई महिला से बाइक सवारों ने शरेराह
पर्स छीना। तो शिवमूर्ति चौक से होटल जाने के दौरान वारदात सीसीटीवी फुटेज से मिले सुराग। ज्वालापुर में स्कूटर सवारों ने युवती के गले से चेन झपटी। स्नान करने आई दो लोगों की बाइकें चोरी। तो हरिद्वार से खबर रही है, वहीं हरिद्वार से खबर रही है बैंक एटीएम कार्ड बदलकर ठगी के दो साथी गिरफ्तार हुए। बस पलटने पर 12 लोगों की हड्डियां फ्रैक्चर हुई। तो हरिद्वार से खबर रही है छात्रों को उनकी क्षमता योग्यता का एहसास कराएं। रोड़ी बेलवाला में महिला वेडिंग जोन फिर से बनेगा। बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आज नगर में शराब पीने को लेकर के विवाद हुआ। मंगलोर में विजय जुलूसों में युवकों ने मचाया हुड़दंग। मुकदमा दर्ज किया। हरेले को लेकर के 225 परिवारों को उपलब्ध कराएं पौधे। रसायन विज्ञान की आंतरिक परीक्षा 18 को तो अल्मोड़ा से खबर रही है। सुधार परीक्षा को 20 जुलाई तक करें आवेदन। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय स्नातक तृतीय सेमेस्टर में ऐसे छात्र जिनकी मुख्य परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं उनकी सुधार परीक्षाएं जुलाई अंतिम सप्ताह में होगी। बागेश्वर में कांग्रेस का मंदिर मुद्दे पर प्रदर्शन। सरस्वती शिशु मंदिर शुभम के छात्र का CDS में चयन हुआ। हरेला पर हरियाली के अभियान से जुड़िए। तो पर्यावरण को समर्पित उत्तराखंड के लोक पर्व को लेकर आम से लेकर खास तक नजर आ रहा उत्साह। हरेला की पूर्व संध्या पर लोगों को दी पौध। हरित देहरादून पहल 15,000 घरों से पौधों की मांग। ई कचरा जमा करने वाले विभागों को नोटिस भेजेंगे। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने किया प्रदर्शन। श्रीनगर में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। तो केदारनाथ धाम का प्रतीकात्मक मंदिर खोलने पर जताई नाराजगी। पौड़ी में DM कार्यालय पर कांग्रेसियों ने जताया रोष। रामनगर के 3 पैथोलॉजी सेंटर अनियमितता पर बंद किए। STH पानी नहीं होने से रोज खप रही 1,000 प्लास्टिक बोतलें। वही खबर हल्द्वानी से, स्ट्रेचर पर तड़पती रही घायल महिला। तो 20 के इमरजेंसी में इलाज के बजाय उसे OPD में दिखाने के लिए भेज दिया। लमगांव की पार्किंग में युवक की निर्मम हत्या। तो लमगांव से खबर आई है, नगर पंचायत लमगांव स्थित पार्किंग के समीप एक मजदूर युवक मृत अवस्था में मिला। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस टीम ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर PM पोस्टमार्टम के लिए जिला पंचायत ने TD भेज दिया। गंगोत्री हाईवे पर कार दुर्घटना में एक मौत। तो गंगोत्री हाईवे पर डुंडा के नज़दीक सिंगोटी के पास सोमवार को एक कार अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बाबा बोखनाख से पानी का संकट दूर करने की गुहार लगाई। तो बड़कोट से खबर रही है, शिक्षक संदीप शिक्षा रत्न से सम्मानित हुए। गैरसैंण में सड़क डामीकरण को लेकर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। शिक्षक के वायरल वीडियो की जांच। तो पौड़ी के एक स्कूल में शिक्षक के नशे की हालत में स्कूल आने संबंधी आरोप लगाते हुए सोमवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। CM योगी के परिवार को धमकी देने की जांच शुरू। तो UPA के मुख्यमंत्री के भाई ने 11 जुलाई को पुलिस को दी थी तहरीर। प्रतियोगिता में सुरखेत इंटर कॉलेज का दबदबा। हरेला पर्व पर हरियाली के अभियान से जुड़ी है। तो पछुआ दून में जगह जगह शिक्षण संस्थानों और अन्य संगठनों ने हरेला पर्व मनाया। चोरी के इरादे से घर में घुसे व्यक्ति को पकड़ा। कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करेगी भाजपा। तीरथ ने बजवाई तालियां, धामी की खूब तारीफ की। 30 बसें 3 साल और 24 करोड़ घाटा। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में दून में संचालित हो रही 30 इलेक्ट्रिक बसों से 3 साल में 24 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। उत्तराखंड के अकाउंटेंट जनरल की ऑडिट रिपोर्ट में इन बसों के संचालन में बड़े पैमाने पर खामियां गिनाई गई। अग्निवीर बेहतर योजना, सेना में युवा वर्ग बढ़ेगा। युवाओं को अब नौकरी देने वाला बनना होगा। MKP की प्रबंधक कमेटी, अवैध जिलाधिकारी प्रशासन नियुक्त।
नंगे पैर किसने दौड़ाए उदयमान खिलाड़ी, तो मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के लिए ट्रायल के दौरान खेल विभाग की लापरवाही उजागर हुई। मंत्री गणेश जोशी के नाम से मैसेज कर मांगे जा रहे रुपए। दून अस्पताल में नशे की लत छुड़ाने को स्पेशल क्लिनिक, विवाह समारोह में आई महिला की चैन लूटी, तो देहरादून से खबर रही है। वही खबर रही है देहरादून से, केवाईसी के नाम पर 50,000 रुपए ठगे गए। चार जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, उत्तराखंड के चार जिलों में मंगलवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। सोमवार को प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जनपदों के कुछ स्थानों एवं अन्य जिलों में अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश गर्जना के साथ हो सकती है। बारिश ने होटल इंडस्ट्री में खड़ा किया रोजगार का संकट। गदेरे नाले में बहे फौजी और युवक के शव बरामद, तो भीमताल से खबर है। यह बीती 9 जुलाई को धारी क्षेत्र के बमेटा गांव में एक गदेरे में नहाते समय डूबे सेना के जवान का शव 6 दिन बाद सोमवार को बरामद किया गया। परिताल के समीपवर्ती गदेरे में रेस्क्यू के दौरान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने शव पत्थरों के बीच फंसा मिला। वहीं हल्द्वानी में 5 दिन पहले नाले में बहे पेट्रोल पंप कर्मचारी का शव भी सोमवार को घटनास्थल से 14 किलोमीटर दूर बरामद कर लिया गया। रुद्रपुर से लापता युवक का शव हल्द्वानी में मिला, तो 1 महीने पहले रुद्रपुर के आदर्श नगर इंदिरा बंगाली कॉलोनी निवासी 34 वर्षीय अमित हल्दार अल्मोड़ा जाते समय रास्ते में बस से उतरने के बाद लापता हो गए। रविवार को युवक का शव हल्द्वानी मंडी चौकी क्षेत्र के बेरी पड़ाव में सड़क किनारे मिला। इलाज नहीं मिलने से प्रसूता की मौत हो गई, तो चंपावत से खबर है। शहीदों के आश्रितों की किसी को परवाह नहीं, मानकों के खिलाफ डिग्री या कॉलेजों में प्रोफेसर बने लोगों पर कार्रवाई तय की। मकानों में दरार आने पर लोगों ने पार्षद को घेरा, तो रुड़की से खबर है। मुहर्रम के जुलूस तय मार्ग से निकलेंगे, प्रतिबंधित मांस के साथ एक गिरफ्तार, तो भगवानपुर से खबर है। मंगलोर में मातमी जुलूसों का सिलसिला शुरू हुआ, सांस्कृतिक संध्या में लोक गायकों ने बांधा समा। हाई कोर्ट ने याची पर लगाए गुंडा एक्ट का आधार पूछा। एमबीपीजी में आखिरी तिथि तक 3,491 दाखिले, तो एमबीपीजी कॉलेज में सोमवार को प्रवेश का आखिरी दिन रहा। 14 किलोमीटर दूर मिला नाले में बहे युवक का शव। अवैध निर्माण का चालन न करने पर जेई के खिलाफ जांच के आदेश, तो हल्द्वानी से खबर है। निरीक्षण कमिश्नर को लावारिस मिला नगर निगम, तो बोले नगर आयुक्त उप नगर आयुक्त नहीं है तो किसे माने प्रभारी। बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं होने पर जताई नाराजगी। यूती संघ रह रहे युवक का शव फंदे से लटका मिला, तो यूपी के कानपुर स्थित जवाहर नगर के आरके नगर निवासी 31 वर्षीय शिवम श्रीवास्तव का शव रविवार शाम मुखानी थाना क्षेत्र के हिम्मतपुर तल्ला में किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला। ट्रेन में चैन स्नेचिंग का केस महाबाद दर्ज हुआ। कुमाऊं में झमझम बारिश, गढ़वाल मंडल में औसत से भी कम हुई बारिश। चंपावत में नहीं मिल रहा घसियारी योजना का लाभ, नोटिस के बाद भी बयान देने नहीं आए प्रधान से अभद्रता के आरोप, तो 10 जुलाई को गुदमी ग्राम प्रधान से की थी अभद्रता, 9 लोगों के खिलाफ है केस दर्ज। रीठा क्षेत्र में चरस के साथ दुकानदार गिरफ्तार किया। पंजीकरण बिना कुत्ता पाला तो खैर नहीं, पिथौरागढ़ से खबर आई है। धर्मनगरी की सड़कों पर बारिश से जलभराव हुआ, बारिश से तापमान 8 डिग्री गिरा, तो हरिद्वार से खबर आई है। रुड़की से खबर आई है, रपटे के बहाव के बीच से दौड़ा दी स्कूली बसें और यात्री भरे वाहन, तो रुड़की में झमाझम बारिश के बाद सुबह अचानक सुलानी नदी में आया पानी। कांवड़ से पहले व्यवस्था ठीक करें, एसएसजे गेट के पास नहीं खुलेगा बार, नाबालिका की स्कूटी चलाने पर जुर्माना लगाया। 15 गांवों के लोगों ने 8 घंटे बिजली संकट झेला, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। लमगड़ा में हाईवे जाम पर मुकदमा दर्ज किया,
तो दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए किया था हाईवे जाम। वहीं खबर है, कपकोट से हुड़दंग में 7 के खिलाफ कार्रवाई की गई। मंगलोर में विजय जुलूस में युवकों ने मचाया हुड़दंग, मुकदमा दर्ज किया। चुनावी रंजिश को लेकर के मारपीट में मुकदमा दर्ज किया। युवक की मौत में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। नशीली दवा बेचने पहुंचा आरोपी पुलिस ने पकड़ा। समझौता बैठक में फायरिंग, एक ग्रामीण घायल हुआ। गाय ने पेड़ से पत्ते खाए तो माँ और बेटे को पीटा, तो रुड़की से खबर रही है। नैनी झील में 9 साल का रिकॉर्ड जल स्तर, तो हुआ 2015 में 6 जुलाई को खोले गए थे झील के निकासी द्वार, 8.5 फीट पर खोले जाते हैं गेट। 3 दिन बाद नलों में आया पानी, तो हल्द्वानी से खबर है। डायवर्जन के बावजूद जाम से जूझा शहर। वहीं खबर रामनगर से, रामनगर में वृद्ध पर गुलदार ने हमला किया, नौकरी के नाम पर 8,000 रुपये ठगे गए। काशीपुर के अरोमा पार्क में 5 इकाइयों की आधारशिला रखी। किच्छा क्षेत्र में कराया जा रहा है चौमुखी विकास। गदरपुर के मंदिर में चोरी करने वाले दबोचे गए। युवा कांग्रेस नेता पर फायर झोंकने का आरोपी पकड़ा गया। डंपर स्वामी को अदालत ने किया रिहा। श्रावण में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है जागेश्वर। वहीं खबर है, धौलचीना से 2 बाइकों की भिड़ंत में 1 घायल केस दर्ज किया। कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर मरीज दर भटके। SSJ में 1,243 प्रवेश, 32% सीटें अभी रिक्त हैं। बेटा पैदा होने की खुशी चंद मिनट नहीं टिकी, तो महिला विशेषज्ञ नहीं होने के कारण प्रसव के बाद रेफर महिला ने दम तोड़ दिया। मां पूर्णागिरी धाम में 11 दिन बाद शुरू हुए दर्शन। 18 युवाओं को विदेश भेजने का झांसा दे 60 लाख रुपए की ठगी की गई, तो देहरादून से खबर रही है। उत्तराखंड के लॉ कॉलेजों में नए कानून भी पढ़ेंगे विद्यार्थी। डेंगू देहरादून में कंट्रोल रूम शुरू हुआ। दिक्कत, बारिश ने होटल इंडस्ट्री में खड़ा किया रोजगार का संकट। सांड से टकराकर गिरे बाइक सवार को डंपर ने कुचला, तो हल्द्वानी से खबर रही है। व्यापार मंडल चुनाव के ऐलान के साथ तनातनी बढ़ी, तो किच्छा में 25 जुलाई को नगर व्यापार मंडल के चुनाव का जिलाध्यक्ष राजकुमार बुड्डी ने किया ऐलान। उधम सिंह नगर में धूमधाम से मनाएंगे हरेला पर्व। मनरेगा के कामों में मिली टीम को कई गड़बड़ियां, तो लक्सर से खबर है। खानपुर विधायक उमेश की याचिका हाई कोर्ट से खारिज हुई। पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिवस मनाया। कन्या पाठशाला में 8 शिक्षिकाओं को नवाजा गया। प्रधानाचार्य और प्रवक्ता शिक्षा रत्न से सम्मानित, तो भगवानपुर से खबर रही है। तेजम से 3 प्रवक्ता सेण राथी भेजने पर आक्रोश, तो सेण राथी GIC में विज्ञान वर्ग की कक्षाएं संचालित करने के लिए प्रशासन से तेजम विद्यालय से 3 प्रवक्ताओं को इधर से उधर किया गया। इससे तेजम के अभिभावक आक्रोशित हैं। नवाली स्कूल के 30 बच्चे खतरे में। मित्र पुलिस ने बुजुर्ग को 9 महीने तक थानों में दौड़ाया, अब सुनी गई फरियाद। तो वरिष्ठ नागरिकों को सरकार कई प्रकार की सहूलियत देती है, योजनाएं बनाती है, उनके मान और सम्मान का ख्याल रखती है। सार्वजनिक स्थानों पर उनके काम आसानी से हों, इसके लिए अलग काउंटर आदि की व्यवस्था होती है। लेकिन 3 थानों की पुलिस ने 80 साल के एक बुजुर्ग की शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया। मित्र पुलिस की न तो मानवता जागी, न ही दायित्व बोध का एहसास हुआ। ATM कार्ड खो जाने और खाते से रुपये निकाल लेने के मामले में बुजुर्ग 9 महीने तक एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे थाने में चक्कर लगाते रहे। जैसे तैसे मुकदमा तो लिखा गया, मगर फिर फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी। CO से लेकर DIG तक से की गई फरियाद से भी न्याय नहीं मिला। मामला राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के पास गया, तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए। प्राधिकरण ने शिकायत दबाकर रखने वाले दरोगा जगत सिंह को अवमानना का दोषी ठहराया है। ऑनलाइन आवेदन के बाद ही मिलेगी पेंशन, ऑफलाइन खत्म हुई। पर्वतीय क्षेत्रों का सावन माह आज से प्रारंभ, तो भगवान शिव की आराधना का माह सावन पर्वतीय क्षेत्रों में आज से शुरू हो गया, जबकि मैदानी क्षेत्रों में यह 22 से शुरू होगा। 22 को पहले सोमवार पर
शिवालयों में श्रद्धालु जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करेंगे। अग्निवीर बेहतर योजना, सेना में बढ़ेगी युवाओं की संख्या। देहरादून समेत चार जिलों में आज तीव्र वर्षा के आसार हैं। काजी निजामुद्दीन के जुलूस में हुआ पथराव। नगर निगम परिसर में फैली गंदगी पर गढ़वाल आयुक्त ने अफसरों पर लगाई फटकार। डेंगू का प्रसार रोकने के लिए चौतरफा प्रहार। नेटवर्क की जांच करने पहुंचे अधिकारी, टावर में दिक्कत नहीं। मसूरी नगर पालिका की स्ट्रीट लाइटें खराब हुई। कल से शुरू होगी जूडो चैंपियनशिप। बॉक्सिंग आज 16 मुक्केबाज खिताबी मुकाबले में लगाएंगे पंच। 19 को रिलीज होगी फिल्म असगार।